मई के प्रथम पक्ष में पकने वाली देशी अरली बेदाना, मई के दूसरे पक्ष में पकने वाली शाही, रोज सेंटेड एवं पूर्वी। मिट्टी के प्रकार एवं अपनी सुविधा अनुसार आप इनमें से किसी भी किस्म का चुनाव कर बाग लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। आइए अब इन सभी प्रजातियों को करीब से जानते हैं। देशी, इस प्रजाति की लीची सबसे पहले पककर तैयार हो जाती है। मई के तीसरे सप्ताह में पकने वाला फल मध्यम आकार यानी 19 से 20 ग्राम का होता है। नियमित फलन वाली इस किस्म में बीज बड़े आकार का होता है। शाही, ये मुजफ्फरपुर का प्रमुख किस्म है। मध्यम आकार के इस फल का वजन 20 ग्राम और इसमें गूदे की मात्रा लगभग 65% होता है। इस प्रजाति का फलन नियमित और बहुत ही अच्छा होता है। अरली बेदाना, इस उन्नत किस्म का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी विशेषता ये है कि इसके बीज छोटे आकार के होते हैं और इसमें गुदे की मात्रा 70% से भी अधिक होता है। हालांकि इसमें फलन अनियमित एवं कम होता है। बॉम्बे, मई के बीच में पकने वाली इस प्रजाति के फल एवं बीज मध्यम आकार के होते हैं। बॉम्बे किस्म में 60-65% तक गुदा होता है। अझौली, लीची की ये अर्ली वैरायटी है। इसका बीज मध्यम आकार का होता है और इस प्रजाति की खासियत ये है कि इसमें बहुत अधिक मिठास होती है। बेदाना, यह मध्य समय में पकने वाली एक अच्छी किस्म है। इस फल का वजन 26.5 ग्राम यानी 26.5 ग्राम, गूदा की मात्रा 82.7% एवं घुलनशील ठोस की मात्रा 24% होता है। रोज सेंटेड, मई के दूसरे पक्ष में पकने वाली ये किस्म मध्यम आकार के फल देती है। इस किस्म में 65-68% तक गुदा होता है। लीची की एक और प्रजाति है तेहरा रोज, जिसकी खासियत रोज सेंटेड से मिलती जुलती है। लेट बेदाना, यह लीची की पिछात किस्म है। इस फल का बीज काफी छोटा होता है और फलन कम और अनियमित होता है।